नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसे प्राणायाम की बात करते हैं जो कि हमारे शरीर के सभी रोगों को दूर करेगा, हमारे चेहरे पे एक निखार लाएगा, हमारे बालों के सौंदर्य को बढ़ाएगा, यानी कि बालों को लंबा और घना बनाएगा। यदि बाल झड़ने की समस्या है तो वो भी धीरे धीरे जो है सही हो जाएगी, और हमारे ब्रेन को फ्रेश रखेगा, हमारे ब्रेन को तेज बनाएगा, ब्रेन संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इन सभी को समाप्त करेगा। और नींद ना आने की समस्या, याददाश्त कमजोर हो जाना, ऐसी सभी बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये एक प्राणायाम। और भी बहुत सारी बीमारियों में है फायदा करता है ये प्राणायाम, लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्राणायाम कौन सा है और इसे किस तरह से करना चाहिए। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि किस किस ने ये प्राणायाम किया और उसे इसका कितना फायदा मिला। चलिए हम करते हैं कि वो प्राणायाम यानी कि भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारे शरीर को, ब्रेन को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। जितने भी प्राणायाम है या योग है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों हाथों से अपने कान को ऐसे बंद कर लेना है, श्वास को गहरा लंबा लेना है और गहरा ही यानी कि लंबा ही छोड़ना है। और जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो भौरे की बीट जैसी ध्वनि निकालते हुए हमें श्वास को बाहर छोड़ना है, यानी कि भौरा जैसी गुंजन करता है, उसकी जो एक गूंज निकलती है उस तरह से हमें उस गूंज को बाहर निकालना है। जब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, उसके लिए हमें दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेना है। आप चाहे तो इस तरह से अपने आंख को, कान को और नाक पे इस तरह से उंगली रख के इस तरह से भी हाथ को सेट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप इस तरह से अपने कान को बंद करिए। कान बंद करने के बाद आपको गहरी लंबी सांस भरनी है। जितनी हमें सांस भरी थी उससे दुगना हमें बीट करते हुए सांस को बाहर निकालना है। यदि इस तरह हम इस प्राणायाम को करेंगे तो इसके बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। ये प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट तक या 7 मिनट तक करें, यानी कि आप इसको 7 से 10 काउंट तक आप इसको करें। बहुत ज्यादा नहीं करना है कि आपको ये पता चला कि इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं तो आप सारा दिन करते रहे, सारा दिन भौरे की आवाज निकालते रहे, क्योंकि जिसके यदि पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं तो निगेटिव रिजल्ट भी हर चीज के होते हैं। तो आप इसको बहुत ज्यादा नहीं करें, आप जितना बताया जाता है वीडियो में उतना ही करें तो इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आप ये प्राणायाम करें और आपकी नींद ना आने की समस्या या ब्रेन संबंधित कोई भी समस्या है तो उसका आपको इसमें समाधान मिलेगा। तो आप ये प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।